असलम डी स्टूडेंट जैसा कि हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो लिखा है मैखलनी ने एंड एंडवाट ने 2017 में आर्टिकल का नाम है एक्सपर्ट व्यूज़ ऑन टी पैक फॉर अर्ली लिटरेसी प्रायोरिटीज़ फ़ॉर टीचर एजुकेशन सो इस आर्टिकल में और क्या फाइंडिंग्स हुई अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं आपने पिछली वाली रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि उसके अंदर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन शेयर किए गए थे एक्सपर्ट से ही ओपिनियन लिए गए थे कि जब हम एक टीचर को आ, एक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं स्पेशली वो टीचर जिसने ढाई से लेके कर चार साल तक के बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो उस टीचर को किस किस्म के टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए कैसा नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए तो एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन बयान की और हम उसी ओपिनियन की कॉन्टीन्यूटी लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो एक्सपर्ट्स ने दी हैं एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि आ, ये जो टॉपिक्स हैं जो अभी हम पढ़ने जाएंगे ये ज़रूर टीचर ट्रेनिंग करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए टीचर्स को उनकी प्री सर्विस ट्रेनिंग में पढ़ाए जाना चाहिए नंबर वन इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड एजुकेशनल टेलीविजन शोज़ ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के ऊपर बल्कि वो जो टीवी के ऊपर डिफरेंट शोज़ आ रहे होते हैं किंडर गार्डन से रिलेटेड बच्चों की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड उसके बारे में पता होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक बुक का जिक्र करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के हार्डवेयर और उसके अपीलिकेशनस के बारे में आ, उनकी ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए उनकी प्री सर्विस ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए सॉफ्टवेयर गोल्स एंड यूजेस यानी जो आप सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं उनके फ़ीचर्स क्या हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उनका मकसद क्या है आ, उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं आपकी अपनी क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है इंटरेक्टिंग कंप्यूटर एक्टिविटीज़ इन टू क्लासरूम गाइडलाइंस किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को अपने करिकुलम के साथ मैच कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो आपके करिकुलम के गोल्स हैं उनके साथ मिला के बेहतरीन तरीके से एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग और एक इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं उसके बाद एक्सपर्ट ने रेकमेंड किया कि आ, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है अर्ली ईयर सेटिंग के अंदर बुनियादी तौर पर ये कनेक्टेड है तीन चीज़ों से एटीट्यूड्स एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ टीचर्स टीचर्स का एटीट्यूड क्या है टेक्नोलॉजी की तरफ़ आर टीचर्स की एबिलिटीज़ क्या हैं और टीचर ऑलरेडी किस किस्म का नॉलेज है उनका और वो क्या जानते हैं ये डिटर्मिन करता है कि वो अपने अर्ली ईयर्स में टेक्नोलॉजी को अपने करिकुलम में इंस्ट्रक्शन में कैसे इस्तेमाल करेंगे प्री सर्विस टीचर जो हैं उनको फेमिलियर होना चाहिए ना सिर्फ अर्ली लिटरेसी हार्डवेयर के साथ और सॉफ़्टवेयर्यर्स के साथ जो मार्केट में अवेलेबल हैं या जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं बल्कि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि इन सॉफ़्टवेयर के अंदर वो कौन से फ़ीचर्स हैं जो उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्प आउट करेंगे जब वो क्लास में अपने बच्चों के साथ बैठेंगे और एक्टिविटीज़ डिवेलप करेंगे आ, इसके अंदर उनको किस चीज़ के बारे में बहुत अवेयर होना चाहिए कि वो असेस कर सकें प्रॉपर्ली कि वो जो सॉफ्टवेयर लेने जा रहे हैं वो सॉफ़्टवेयर इंटरेक्टिव होना चाहिए वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होना चाहिए उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए उसमें आ, ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जब टीचर्स उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें तो एक एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर बच्चों को फीडबैक देने का मौका मिले आज इसके अंदर बच्चे मॉडलिंग कर सकें जिसके अंदर बच्चे अपनी वॉइस अपनी वीडियोस भी उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें अपने पोर्टफोलियो बना सकें ताकि बच्चों की मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डिवेल्प हों और सेल्फ रेगुलेटरी एबिलिटीज़ भी डिवेलप हो सकें अब टीचर्स की एबिलिटीज़ और नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करती हैं कि वो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ uh, करेंगे अपनी अर्ली ईयर सेटिंग में टीचर को नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली आपकी अर्ली लिटरेसी से रिलेटेड नंबर वन हाउ अर्ली लिटरेसी डेवलप अर्ली लिटरेसी डेवलप होती कैसे आप इस डेवलपमेंट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं और नंबर तीन के आपकी जो लर्निंग टूल्स हैं यानी जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं गैजेट्स यूज़ करने जा रहे हैं ई बुक्स यूज़ करने जा रहे हैं या है, है? आप डिफरेंट किस्म की स्क्रीन और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ करने जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं आप उसे किस तरह यूज़ करेंगे कि बच्चों की मैक्सिमम लर्निंग हो सके और कहाँ आप उसे कंट्रोल करेंगे जहाँ बच्चों की डिस्ट्रैक्शन कम हो सके सो so, इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है एबिलिटीज़ और नॉलेज के साथ अगली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि प्री सर्विस टीचर को आ, ना सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के गैजेट क्या है बल्कि अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए बुनियादी तौर पर कि जिस उम्र के बच्चे उनके पास हैं जिनको वो डील कर रहे हैं उनका फोकस कितना है उनकी इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स कैसी हैं उनके लर्निंग स्टाइल कैसे हैं अभी जो आपके पास क्लासरूम में बच्चे हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ कैसी हैं ताकि आप उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर या आप गैजेट्स इस्तेमाल कर सकें और इंटीग्रेट कर सकें उनकी मोटर स्किल कैसी है क्या वो ये गैजेट इस्तेमाल कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे की कॉम्पोनेंट हमारे पास प्री सर्विस टीचर में आते हैं आ, वो ये आते हैं जिसके थ्रू वो बेहतरीन तरीके से अर्ली लिटरेसी को सपोर्ट कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि जो नई आने वाली टेक्नोलॉजी है वो उसको सीख सकें और उसे घबराएं ना कि टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है उसको सीखना डेफिनेटली चैलेंजिंग भी है मुश्किल भी है टायरिंग भी है तो वो थकें ना अगली एबिलिटी ये है कि वो यूज़ कर सकें स्पेशलाइज टेक्नोलॉजीज़ को उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करें नॉलेज डेवलप करें आ, उसको कोर्सेज करें और उस स्पेशलाइज गैजेट को इस्तेमाल कर सकें और टेक्नोलॉजी को अपनी अर्ली डेवलपमेंटल जो आपकी टेक्नोलॉजी इनटू अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंटल एफर्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है वो उसमें में कर सके उसको सपोर्ट कर सके टेक्नोलॉजी को ऐसे इस्तेमाल करें अब आखिरी चीज़ आती है एटीट्यूड्स एटीट्यूड्स डिटर्मन करते हैं टीचर्स के कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे क्लास में इस्तेमाल करेंगे और उनका एटीट्यूड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है सबसे पहले तो टीचर जब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो एक्टिव लैंग्वेज यूज होना चाहिए देन पैसिव वन इसका मतलब क्या है कि जब वो बच्चों के साथ गैजेट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ग्रुप्स में करें पेयर्स में करें और बच्चों को इन्वॉल्व करें डिस्कशन के अंदर दूसरा हमारे टीचर्स हैं उनका फेवरेट फेवरेबल आउटलुक होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में वो घबराएं ना वो डरें ना या वो इसको यूज़लेस चीज़ ना समझें ये भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है जिससे जो डिटर्मन करता है कि आया वो टेक्नोलॉजी को आ, अपने आ, लेसन प्लान में इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे तीसरी चीज़ ये आती है कि जब भी हम प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर नए नई और इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटीज़ टीचर्स को करवाई जाएं, एडवेंचर्स करवाए जाएं, जिसमें टीचर खुद चीज़ों को डेवलप करें लेसन डेवलप करें टेक्नोलॉजी को बेस बना के ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से टीचर्स के एटीट्यूड टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में चेंज होते हैं और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे जो वो अर्लीयर सेटिंग में आएंगे और वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको इंटीग्रेट करके बच्चों को इंगेज कर सकेंगे